आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे पाइल्स के सिम्टम, इनके कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आदमी या मैं खुद पाइल्स से बवासीर से ग्रसित हूं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह पाइल्स एक हार्ड, बड़ा ही हार्ड और बड़ा ही दर्द भरा एक मसा होता है जो कि एनस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इसमें ब्लड थक्का सा जम जाते हैं जो कि ये ब्लड होते हैं, ये ब्लड टिश्यू होते हैं अलग अलग तरह के, इनको थ्रोम्बोसिस एक्सटर्नल हेमोराइड्स भी कहते हैं। कई बार तो रोगी की इतनी दर्द बढ़ जाती है, इतनी गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं कि 4-5 दिन तक भी ठीक नहीं होता और कई बार अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वह कौन कौन से लक्षण से ग्रसित होंगे, आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला लक्षण होता कि शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होता है। दूसरा है कि गुदा के आसपास खुजली और लालीपन व सूजन आ जाता है। शौच के वक्त म्यूकस का आ जाना, उसमें ब्लड आ जाना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है लेकिन मल निकलता नहीं है, और शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून निकलता है। गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है, इसमें दर्द भी होता है और खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ नहीं होने का आभास होता है, शौच के वक्त जलन होते रहता है। तो इस तरह से कुछ आम सी लक्षण है, और जब आदमी को यह हो जाता है तो जब पास कर लेते हैं टूल्स उसके बाद, तब भी वह बोवेल, जहां की जो मलाशय है वो लगेगा कि अभी भी फुल ही है, भारीपन बना ही रहता है और बड़े ही चमकीले खून वहां चमकते हुए दिखते हैं, और एनस के इर्द गिर्द खुजली होगा, वहां लाल बना रहेगा, कई बार फूला हुआ भी रहेगा, और टूल पासिंग के टाइम बड़ा ही दर्द होता है। तो इस तरह से यह सब है सेवियर कंडीशन। इसके दो कंडीशन होते हैं मित्रों, पहला होता है एक्यूट कंडीशन जो कि कुछ दिन के लिए छोड़े माइनर नेचर के, और कुछ है क्रोनिक नेचर के। तो यह हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग भी इसमें हो जाता है, और इसी के कारण एनीमिया इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें दिखते हैं। इसके कारण ही हम अपने बाउल के मूवमेंट को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और एनस फिस्टूला हो गया है, ये सब भी हो जाते हैं, जिसमें कि एक चैनल बन जाते हैं सरफेस ऑफ द स्किन जो कि एनस के पास है, और इनसाइड एनस वहां एक चैनल जैसे बन जाते हैं। तो ये कुछ आम सी लक्षण है जिनका कि आप पाइल्स को पहचानने में इस्तेमाल कर सकते हैं।